मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद है। मैं मंदिरी में 40 वर्षों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। 2010 में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसका निवारण होने में बहुत मुश्किल था। मेरा लड़का पुणे में पढ़ता था, वहाँ से उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ग्राफो योगा में जाकर मिलिए। मैं गया, इन्होंने कहा कि आप लिखिए, लिख कर दिए। और सेकंड स्टेप में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लड़के की शादी हो जाएगी और आपको पैसा मिलेगा। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिस अपने ही जिला में पूर्वी चंपारण में एक बस्ती है, वहाँ उनको मालूम हुआ और वहाँ हम गए, वहाँ सेट कर दिया। 5 लाख रुपए के आसपास का था डिमांड, सम्मान गए। और जब इनसे कहा कि पैसा नहीं है तो इन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आप चुप कर जाइए, जहाँ कमी होगा फोन लगाइएगा, मिलेगा। वैसा ही हुआ, शादी बड़ी धूमधाम से हुआ, पूरे मोतिहारी भवानी पूजा समाज रोड में हुआ। जो मेरे फ्रेंड प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, वकील थे, उन लोगों के लिए संभव हुआ। मेरी पत्नी और हम में चंदन और सांप का जो वृक्ष में होता है वैसा था स्थिति। उनको नहीं मालूम है कि डॉक्टर साहब के पास कितना पैसा, हमको नहीं मालूम है कि कितना पैसा है। लेकिन जब हम उतरे तो फर्स्ट स्टेप का जो काम कर लिए तिलक उलक का, सेकंड लोगों को विश्वास है कि पैसा कहाँ से देगा। लेकिन विदा करने के बाद में जो स्थिति हुई हम नहीं कह सकते हैं। टेलीफोन जिधर जाता था उधर से पैसा आया, उसको मेकअप किए और हम कन्यादान कर रहे थे जिनकी एक फोन आई कि आप लोग शादी विदा कर अपने शाम कर जाइए पटना। आभार सुबह की भाई क्या बात है कि अभी रात का खतरा हुआ होगा, ऐसे होगा। सुबह में बिलागरी के बाद कुछ पारिवारिक हुआ, हम लोग बर्दाश्त किए, सब पेमेंट किए। उसके बाद एक अनुभव बहुत हुआ कि मात्र 13,000 रुपए मेरे पास था। हमने मोटा मोटी 2 लाख के ऊपर में गए, सारी समझौता हो गई, साफ सुथरा ये हुआ। दूसरी बात है कि हम पर रिस्ट्रिक्शन था कि आप थोड़ा सबको नहीं बताना है, इसे नहीं करना है। लेकिन जब शादी के बाद हम आए, अट्रैक्टिव हुए इनसे, हम स्पिरिचुअल लाइन में भी 20-25 साल से हैं दूसरे संस्था से, तो उसमें कोई हानि उनी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो महात्मा संत तपस्या कर उर्दू का एक शब्द है, हिंदी का है कि अचार बन जाता है, खिलाफत में हो जाता है, 24 घंटा प्रैक्टिस, उनकी हैंड राइटिंग से सारी अनुभव हो रही है। अगला चक्र खुलना, कुंडली का जागरण करना, बहुत बढ़िया वक्त है चुप करा देना, फ्रैक्शन घर में है तो उसको सुलझा देना, आर्थिक सामाजिक मानसिक और कुछ ऐप सब है हर आदमी में। जब मैं ज्वाइन किया था स्पिरिचुअल में, उस समय बड़ी शराब पीता था, मांस मछलियां खाता था। हमने भी लेकर एक यहाँ के लिखे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कहा कि पन्ना लिख कर दीजिए। तो पन्ना लिखने में हमको आज भी ज्ञान नहीं किसके लिखने से क्या मिला हमको। वो हुआ शादी का सेकंड फेज है, घर में कुछ होता है तो इन्होंने कुछ शब्द लिखाया, उससे सुलभ हो गया है। तब मंदिरी में हम बैठते थे, क्लिनिक में लोग पास करते थे रोड से, एक सुभाष यादव है, लड़का है, उसका बाप को भी हम लोग 40 साल से तो सब हमारा सामने का पहला था। ये विचार आया कि इसमें सुधार कैसे होगा, तो हमने पहला सोचा कि हमारा तो सुधार थोड़ा हुआ है, हम देखते हैं कि इस विद्या को हम हासिल किए हैं कि नहीं, हमने कुछ चयन आया है।
है कि नहीं, पावर आया है कि नहीं, हमारा आहार का शुद्धि हुआ है कि नहीं, बिहार का शुद्धि हुआ है कि नहीं, मेरे वर्ग में शक्ति है कि नहीं। हम खड़ा था, ये पुलिस वाले से कुछ गड़बड़ था, महल्ला में किसी को पीट देना, किसी को कुछ करना, हम सुनते थे लेकिन हम इंटरफेयर नहीं कर सके क्योंकि मेरा बात मानेगा कि नहीं। लेकिन एक दिन सुबह में हम इसको देखे, हमको ऐसा देखा इसमें ये कैसा पद्धति है जाल लगाने, जाल लिखने का, और जो अंग्रेजी का होता है उसी को हम कर रहे थे और इसको हम बुलाए आ गया। हमने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा सब समस्या दूर हो जाएगा, सिंघार लाइब्रेरी से दक्षिण साइड में है आत्मकथा में, और आपको योगा ठीक है लिखा हुआ, हम कहे को प्रयोगशाला है, तुम छुरीकल हमारा सुन लिया और तुम जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा वो तुम जानो। अभी लड़का ने उसी दिन चला, हम पूछ लिया हम आकर सर से कहे सारी बात, उन्होंने यही हम रिकमेंड किए कि जो भी हो उसको हमको बतलाएं कि भाई आप भेज दीजिए खाली, बाकी सब हो जाएगा, ये है इसमें कुछ नाम से हो, आध्यात्मिक हो या तांत्रिक विधि हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, या अभी तक हमको भी समझ में नहीं आता है। हमको अंदाज है कि पतंजलि योग से लेकर दुनिया का हिंदुस्तान के अंदर में 2 लाख देवी देवताओं में भी उसका भी हम थोड़ा रास्ता धरे थे, लेकिन फ्रॉडलिज्म था वहाँ, कोई अंगूठी पहना दिया उसका भी, कोई कहा कि इस सिद्धि कर दीजिए, यहाँ सिद्धि भी है लिखने से। तो सुभाष यादव को कहे, और सुभाष यादव ने वही हुआ कि स्वाति नक्षत्र में जब बारिश पानी का एक बूंद समुद्र में पड़ता है तो उसी कुछ समय मुंह बाए रहता है, और उसमें पड़ जाने के बाद उसकी फिजिकल या भौगोलिक जो स्थिति है केमिकल की वो नीचा चली जाती है सीप, और मोती जब बन जाता है तो ऊपर आता है, मछुआ उसको कहा देता है। तो ग्राफो योगा में इसी का फिजिकल तो बहुत है, यहाँ जिंदा किताब है उनकी जो पत्ती उन्होंने साधन पत्ती निकाला है राइटिंग का, और इसमें ऐसे ऐसे सुभाष जी ने प्रचार कर दिया मंदिरी में कि मंदिरी हो गया योगा ग्राफ का, कम से कम अभी 26-27 आदमी है इसमें, अजीब नेचर के लोग हैं, नेचर टर्म में बोलते हैं किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, हम भी देखते हैं अपने क्लिनिक में ग्राफ योग से हमको बिहाता है कि इसका सीमेंट में क्या आ गया, इसके पत्नी में क्या आ गया, हम उससे कॉन्टेक्ट करके कहेंगे आप खुद तक रेफर कर दीजिए, या मेडिकल टर्म है कुछ डॉक्टर अपने भी हैं वैसे भी, और वैसे भी डॉक्टर हैं और इसका भी डॉक्टर हुए, तो ये बड़ी मदद हो रहा है। और मंदिर में कहीं पास कर रहे रास्ता में कोई लड़की बैठी हुई है, ऐसा रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा टीवी का जो तो आता है वैसे होता है कि लड़की को मदद छोड़ दिया है, हमारे कहीं से कॉन्टेक्ट करते हैं कहीं बेटी, तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए हमारा अपना विचार है इस पाटलिपुत्र के धरती पर, बिहार की धरती पर, हिन्दुस्तान में पहला साइंस पैदा हुआ है, और हैंड राइटिंग से इन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया है, और इनकी मदद हर तरीके का है, सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक। और दूसरी बात बताते हैं, श्री कृष्ण ने कहा था आहार की सुधी बिहार की सुधी, यहाँ किसी को कहते नहीं है, लेकिन राइटिंग देखते हैं उसका ग्राफ जो इनको आता है तो उससे कभी कभी कहते हैं कि भाई आप कोशिश करो, और राइटिंग में उस शराब छोड़ने का वो लिखवा देते हैं, शराब उसका छूट जाता है, झूठ बोलने का है जो छोड़ देता है, जगहबाजी करना भ्रष्टाचारी भी बनना चाहता है तो रुक जाएगा, उसका एक एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं, लेकिन यहाँ सब राइट हो जाता है। सुनते थे कि अमेरिका में लंदन में साइकोलॉजिस्ट लोग बैठता था एडमिशन के समय में, उसका नेचर क्या है वो हो जाता था। तो हम यही कहेंगे कि ग्राफो योग में जो पति पुत्रा पटना के सिन्हा लाइब्रेरी के बगल में है, और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, और गार्जियन भाइयों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को लाकर यहाँ लिखवा कर उनका क्या लाइफ में होगा,
प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि चपरासी बनेगा, उसमें गलत काम में प्रवेश करेगा, अच्छा काम में प्रवेश करेगा, साधु बनेगा। जीवन को जब यापन करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन कैसा पैसा? तो ये सारी बातें इसमें आ रहा है और अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसका आगे क्या है, क्योंकि इसमें अध्यात्म का जो लास्ट मिलता है वो स्टार्टिंग में है। यहाँ फर्स्ट 5-7 दिन में हो सकता है किसी का आज्ञा तक खुल जाता है। तो ये सारी बातें हैं आपको जो की जय। आप सब भाई आइए यहाँ।